अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश को और देश को आज तक आजादी के बाद का किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा बजट जो अब की बार 6.9 लाख करोड़ का, 6,90,000 करोड़ का इसको देने के लिए, और ये याद रखें कि ये अभी इसमें सप्लीमेंट्री बजट्स जो साल में लिए जाते हैं वो नहीं जोड़े गए हैं, ये फाइनल आंकड़ा 7 लाख करोड़ को कहीं ज्यादा आगे 7.5 लाख करोड़ के करीबन तक पहुंचेगा। ये एक ऐतिहासिक फिगर है और थोड़ा कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि पाकिस्तान, ठीक है आज उनकी आर्थिक व्यवस्था खराब है, लेकिन साल दो साल पहले जब इतना बुरा हाल नहीं था तब भी वो दुनिया के 10 सबसे ज्यादा आबादी के देशों में से एक है, लेकिन उनके 1.5 गुना का बजट केवल उत्तर प्रदेश का है। ये साइज है हमारे बजट का। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि ये बड़ा ऐप है कि ये अमृतकाल का पहला बजट जरूर है, लेकिन हमारी सरकार का ये ठीक एक पंचवर्षीय पार किया हुआ बजट है, फर्स्ट फुल बजट इस सरकार का है। अगर फर्स्ट फुल फाइनेंशियल ईयर का बजट देखा जाए, पिछली बार का बजट पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर का नहीं था, तो ऐसे में हम लोगों का बजट पिछले 5 साल पहले जब हम लोग 17 में सरकार बनी थी उससे डबल का बजट है हमारा। मतलब कि हमारे 5 साल के अंदर में उत्तर प्रदेश के बजट को डबल करने का काम किया है। अगर केवल इसी को ग्रोथ का आंकड़ा माना जाए तो 14% का नॉमिनल ग्रोथ रेट है उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ष का, 14% का नॉमिनल ग्रोथ रेट में अगर हम लोग महंगाई के आरबीआई के मानक को मान लें तो हमारा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले 5 वर्ष का 6% के आसपास है, तो 14 में से अगर 6 हम घटा भी देते हैं तो 8% का रियल ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश का है। याद रखिए, इसी समय में कोरोना भी आया था जिसमें दुनिया की पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई और केंद्र सरकार ने भी 25% का लॉस हुआ था। ऐसे में उत्तर प्रदेश ने पूरे कोरोना के कार्यकाल में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में, 8% का लगातार ग्रोथ रेट देने का काम किया है। यह बहुत ही काबिले तारीफ बात है कि कोरोना के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस बजट में मेरे क्षेत्र को, प्रयागराज को, बहुत ऐतिहासिक धनराशि प्राप्त हुई है। हमारे यहां ज्यादातर प्रदेशों में एक लॉ यूनिवर्सिटी होती है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पहले से एक क्लैट की नेशनल यूनिवर्सिटी थी, लेकिन प्रयागराज को यह देखते हुए कि दुनिया का सबसे बड़े हाई कोर्ट्स में से एक प्रयागराज में है, प्रयागराज को जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दी गई है उसको भी फंड दिए गए हैं। और कुंभ मेले के लिए जहां 600 करोड़ के फंड, 621 करोड़ के फंड FY23 में दिए गए थे, ये अपने में एक छोटी राशि नहीं है। अगर 600 करोड़ रुपए मुझे दिए जाते कि मेरे क्षेत्र के लिए तो मैं कहता धन्यवाद, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 यानी इस साल के जिस बजट की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसमें 621 करोड़ को बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपए कुंभ मेले के लिए दिए जा रहे हैं, और 2,500 करोड़ के साथ साथ 1,700 करोड़ आरओबीज को भी प्रदेश को दिया जा रहा है, रेलवे ओवर ब्रिजेस को, जिसमें से प्रयागराज कुंभ क्षेत्र के, मेरी विधानसभा शहर उत्तरी के क्षेत्र के सभी रेलवे फाटकों को के ऊपर ब्रिज बना के रेलवे फाटक के जाम से जनता को मुक्त करा दिया जा रहा है। ये मेरे लिए एक बहुत इमोशनल बात है, मैं दिल से सरकार को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब मैं छात्र जीवन में था
तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था प्रयागराज वो क्षेत्र है जहां से पांच पांच प्रधानमंत्री रहे हैं। और अगर देखा जाए कि चंद्रशेखर जी की एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रही है तो एक छटा भी जोड़ सकते हैं आप प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी एजुकेशन प्रयागराज यूनिवर्सिटी में रही है। तो मैं हमेशा सोचता था कि पांच प्रधानमंत्री लोग गिनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह और बहुत से, मतलब पांच प्रधानमंत्री लोग गिनाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता था कि अगर एक एक प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर भी बना देता तो पांचे रोले फाटक से हम लोग मुक्त हो जाते। लेकिन जो पांच पांच प्रधानमंत्री अन्य सरकारों के नहीं कर पाए, वो डबल इंजन की सरकार मोदी योगी सरकार ने करके दिखाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सदन को और पूरे सूबे की जनता को बताना चाहता हूं कि फाफामऊ में गौरी फाटक, उसके लिए फंड दे दिए गए हैं। इसके अलावा आईआरटी पे जो रेलवे फाटक है उसके लिए फंड दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ सलोरी में जो अर्धनिर्मित फ्लाईओवर है उसको कंप्लीट करने के लिए फंड दे दिए गए हैं। और दारागंज में जो बख्शी बांध है उसको भी खत्म करने के लिए फंड दे दिए गए हैं। और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा, यही है डबल इंजन सरकार का फायदा कि जो एक तनहा रेलवे फाटक पूरी उत्तरी विधानसभा में बच रहा था, जिसको एनी बेसेंट फाटक कहते हैं छोटा बघाड़ा में, उसमें वैष्णव जी, रेल मंत्री जी ने खुद संज्ञान लेते हुए उसमें अंडर पास बनाने के लिए पहला 20 करोड़ रिलीज कर दिया है। तो डबल इंजन की सरकार ने केंद्र और प्रदेश ने मिलके वो काम कर करके दिखाया है। 7 मिनट करने वाले हैं, आप नहीं कर पाए। मैं अब ज्यादा ना बोल के बस ये बोलना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो इतना कुछ किया है, इतना जो विकास और इतना जो खर्चा हम लोग कर रहे हैं 6,90,000 करोड़ का, इसमें हमने फिस्कल डिसिप्लिन को नहीं छोड़ा है। जहां पे हमारा फिस्कल डेफिसिट 4% का पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, वहीं पे उसको हम लोग 3.5% पे लाने जा रहे हैं। और इसी टाइम में हमारा जो रेवेन्यू सरप्लस है उसमें हम लोग 1.1% FY22 से 2.1% FY23 में और अब 2.8% पे आने जा रहे हैं। इसका मतलब ये, मैं आखिरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और अभी G20 में दुनिया के सारे फाइनेंस मिनिस्टर भारत आए थे 2 दिन पहले, निर्मला सीतारमण जी ने उनके लिए बैंक्वेट रखा था। अगर ये आंकड़ा उनको भी बताया जाएगा तो दुनिया का हर फाइनेंस मिनिस्टर हमारे प्रदेश से ईर्ष्या करेगा कि हम इतना लंबा बजट 6,90,000 करोड़ का दे रहे हैं लेकिन साथ में हम अपना कर्जा हर साल कम करते जा रहे हैं। इसी वजह से हमारा रेवेन्यू सरप्लस होता जा रहा है और हमारा फिस्कल डेफिसिट कम होता जा रहा है। ये एक बहुत काबिले तारीफ बात है कि एक बार एक तरफ सरकार जॉब्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब पे पैसा खर्चा कर रही है, एक्सप्रेस वे, माननीय सदस्य जल्दी, लेकिन इसके बावजूद हमारा कर्जा कम नहीं हो रहा है। मैं अधिष्ठाता महोदय आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक बजट पर कुछ टिप्पणियां करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।